नमस्कार दोस्तों, देखिए बहुत बड़ी खुशखबरी हाल लगी हुई है कि खेसारी भैया अब हमेशा के लिए ग्लोबल न्यूज जंक्शन के चंगुल से बाहर आ सकते हैं, यानी एग्रीमेंट से मुक्त हो सकते हैं। अब वो कैसे होंगे, किस तरीके से होंगे, आइए समझाने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में, बने रहिए लास्ट तक। बाकी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए बीच में तो आपने सुना ही होगा कि खेसारी भैया जो है इस एग्रीमेंट से बाहर आ चुके हैं और किसी भी कंपनी के लिए गाना वो गा सकते हैं, लेकिन फिर अचानक से ये सुनने को मिलता है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने एक नोटिस निकाला है, फैसला सुनाया है कि खेसारी भैया आप किसी भी कंपनी से गाना नहीं गा सकते हैं सिवाय ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के। ये क्या है केस भाई, कि हमेशा हमेशा के लिए जो केस बंद हो गया था फिर रीओपन हो गया और खेसारी भैया केस हार चुके हैं, गाना नहीं गा सकते हैं। तो इसी के लिए खेसारी भैया अंतिम चाल चलने जा रहे हैं। अब उसके बाद में जो है ये ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन कुछ भी नहीं कर सकता है। देखिए खेसारी भैया जो है पूरा प्लानिंग कर लिए हैं सुप्रीम कोर्ट जाने की, क्योंकि ये जो केस जीता है ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन वो जो है हाई कोर्ट के, दिल्ली के हाई कोर्ट में जीता है। अब खेसारी भैया जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रहे हैं, पूरा प्लानिंग हो चुका है और एक केस 100% वो जीतेंगे, ऐसा नहीं है कि हारेंगे, क्योंकि अब उस पर ये धारा लगेगी कि ये जो है हमारे ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन जो है ये जो है धोखे से जो है साइन कराया था, क्योंकि खेसारी भैया को पढ़ना लिखना तो आता नहीं है और खेसारी भैया के कोई वहां पे मैनेजर तो थे नहीं, ठीक है, और ऐसे पढ़ के सुना दिया गया था रैंडमली कि भैया ये है कि आपको 200 गाने देने हैं, 200 गाने के बाबत हमने आपको 5 करोड़ रुपया देना है, ये जो है सुना दिया था पढ़ के, बस इतना ही सुनाया था, लेकिन ये नहीं सुनाया था कि भैया अब जो है किसी दूसरे कंपनी के लिए तुम गाना नहीं गा सकते, मेरे सिर्फ मेरे कंपनी के लिए गाना पड़ेगा, ठीक है। और शुरू में गाना डिलीट नहीं कर रहा था, बाद में जब बात विवाद होने लगा तब ये गाना डिलीट करना शुरू किया, तो खेसारी भैया कंफ्यूजन हुआ, भाई मैंने ऐसा क्या कर दिया जो ये गाना डिलीट करा रहा है। तो बाद में जब नोटिस पढ़ने को मिला तो उस नोटिस में लिखा हुआ था एग्रीमेंट में कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे कंपनी के लिए गाना गाओगे, यही धोखाबाजी हो गया था खेसारी भाई के साथ में। और इसी धाराएं से लेके इसी केस को लेकर, इसी पॉइंट को लेकर खेसारी भैया केस जीत चुके थे कि ये मुझे धोखे से जो है सिग्नेचर कराया है, क्योंकि मैं पढ़ना लिखना मुझे इंग्लिश आता नहीं है। उसके बाद में फिर से जो है पुनर्याचिका डाला दिल्ली हाई कोर्ट में और वहां पे केस ये ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन जीत चुका है, ठीक है। अब खेसारी भैया प्लानिंग कर रहे हैं कि मुझे जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा और उनका वकील लोग भी बोल रहे हैं कि वहां पे जाना पड़ेगा, और जो एक बार सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया उसके बाद में किसी की बाप में दम नहीं है कि उस केस को फिर से रीओपन करवा के मैं केस जीत जाऊं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अब वही करने जा रहे हैं खेसारी भैया, बड़ा प्लानिंग चल रहा है। और वो कैसे दिल्ली हाई कोर्ट में केस जीता मुझे तो नहीं पता है, किस बेसिस पे जीता, क्योंकि सिग्नेचर खेसारी भाई का वहां पे है और खेसारी भैया फॉर्मेलिटी में चलो भाई अपने घर के आदमी सिग्नेचर कर देते हैं, इसी के चक्कर में उन्होंने सिग्नेचर किया था। अब उनको उतना इंग्लिश तो का ज्ञान है नहीं, ठीक है, क्योंकि गाँव से है और शुरुआती उनकी पढ़ाई उतनी अच्छी हुई नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए वो कन्फ्यूजन हुआ, उनके साथ में धोखा हो गया। अब अगला पड़ाव यही है कि वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और बहुत जल्द केस जीत के फिर से मार्केट में तहलका मचाएंगे। और ऐसा नहीं कि खेसारी भैया गाना नहीं गा सकते हैं, गाएंगे और गाना आएगा भी, तुम लोग टेंशन मत करो। और इसलिए ज्यादा बदनामी किया जा रहा है कि खेसारी भैया के पास कोई कंपनी गाना गनवाने ना जाए, वो बर्बाद हो जाए, यही ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन चाहता है, क्योंकि ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन का कोई औकात नहीं है। जिस दिन खेसारी भैया केस जीत जाएंगे उस दिन इस कंपनी को बर्बाद होना तय है, वैसे भी इसका गाना होना तो चलता नहीं है, बीच में पवन सिंह गाना दिए थे इनको चल चल तुरे माई से कहा, वो गाना डिलीट हो गया और उसके बाप में दम नहीं था कि उस गाने को फिर से रिकवर करवा ले, करा ही नहीं पाया, बार बार टी सीरीज वाला डिलीट करा उसका गाना, ठीक है, तो उसका खुद का तो कुछ हिम्मत है नहीं, ठीक है, वही खेसारी भैया से पंगा लेगा, इनसे लेगा उनसे लेगा, अरे इतना हिम्मत था तो तुम टी सीरीज से लेते, सारे गामा वाले से ले लेते, तुम्हारा साथ अब क्या कहें ऐसे लोगों को और ये बर्बाद कैसे होगा, क्योंकि इतने सस्ते में 200 गाना अगर खेसारी भाई को इसको मिल गया तो समझ लो कि ये राजा बन जाएगा, करोड़पति बन जाएगा, क्योंकि एक गाना ढाई ढाई लाख में खरीदेगा। और ऐसा तो है नहीं कि 200 गाने में लगभग 10-20 गाने ऐसे नहीं होंगे कि जो 200-300 मिलियन पार ना जाए, हो ही नहीं सकता है, जाएंगे और उससे इतना पैसा छापेगा ये, यही इसके दिमाग में रात दिन चल रहा है कि मैं भले ही मुझे एग्रीमेंट कैसे भी करके करना है, इसीलिए ये केस के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, इसके लिए इसीलिए लड़ रहा है, ठीक है, नहीं तो ये अगर छोटा मोटा कोई सिंगर होता तो ये अब तक भाव नहीं देता, वो अब तक बाहर कर देता कि जब मुझे नहीं चाहिए तेरा एग्रीमेंट, जब बाहर कर देता, लेकिन जानता है कि खेसारी भैया को चंगुल में लिया हूं, अगर इनसे मैं गाना गवा लेता हूं ना 200, फिर तो इसका पूरी जिंदगी बैठ के खाएगा ना, तो पैसा खत्म होने वाला नहीं, क्योंकि पूरी जिंदगी वही गाना इसको कमा के देंगे खाने के लिए, इसीलिए इतना दिमाग लड़ा रहा है। लेकिन बहुत जल्द इस केस से बाहर आने वाले हैं, सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं, बस तैयारी चल रही है। बाकी आप सबका क्या मानना है कमेंट करके बताओ, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक मारो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नमस्कार।